तुम्हारा वो अच्छा। रजा यार ये वीपीएन ना सारे पीसी में इंस्टॉल करना है, अभी एक दो को करवाया मैंने, अगर उससे मसला, वो जो नहीं हमने बताया था कि एक ही आईपी से सारे लोग लॉगिन होते हैं तो ब्लॉक मार रहा है अमेज़न, वो वीपीएन से मसला ना हल होता हुआ नजर आ रहा है। मैंने लास्ट क्लास में वीपीएन लगाया था, मेरे पास सेट हो गया था वो, तो अभी ये सारे पीसी में करना पड़ेगा वो। मैं चलो जल्दी जल्दी चेक करके बताओ भाई, बहुत टाइम लगा रहे हो तुम यार। अभी क्लास में बचा ही क्या है, अब टाइम 1 घंटा तो पूरा हो गया। अब गिव मी वेदर बोला तुमने, रीप्रॉम्प्ट तो खत्म हो गया ना, ये पूरी कन्वर्सेशन ही खत्म हो गई यहाँ पे, आप मजीद बोलोगे थोड़ी समझ आएगा उसको, खत्म हो गई ना यार कन्वर्सेशन। ये जो इन कराची इट्स हेज एंड 20 डिग्री लिखा हुआ है, इसके साथ रीप्रॉम्प्ट लगा के भेजा तुमने, भेजोगे तो अप्रूव भी नहीं होगी पहली बात तो ये, ठीक है भेज भी नहीं सकते तुम, उसके लास्ट में तुम्हें कोई क्वेश्चन डालना पड़ेगा छोटा सा, ठीक है, और रीप्रॉम्प्ट लगा दो। तुम वही पाकिस्तानी क्लाइंट्स वाला जो मैं बता रहा था ना, तुम भी वही चाह रहे हो कि एक बार बात शुरू हो तो खत्म ना हो। अब तुम हाँ तो दूसरे सिटी का वो ऐसे नहीं पूछेगा ना, दूसरे सिटी का वो ऐसे पूछेगा कि आस्क सैयद वेदर टेम्परेचर ऑफ फला सिटी, ये पूछेगा, लिखो आस्क सैयद वेदर, चलेगा बिल्कुल चलेगा। वो इस तरह के ना क्वेश्चन होते हैं दो तरह के, वो मैं उसका नाम बोल रहा हूँ, इसमें नहीं बोलते, वो गूगल असिस्टेंट की डॉक्यूमेंटेशन में मिलता है। एक होता है इम्प्लिसिट होता है, पता नहीं इस तरह कुछ नाम होता है, तो उसमें क्या होता है कि आप ऐप का भी नाम बताते हैं क्वेश्चन भी बताते हैं, दोनों साथ में बताते हैं, तो ये भी वो वाला कर रहे हैं। और एक ही होता है कि ऐप को ओपन करते हैं और फिर आप क्वेश्चन करते हैं, दो स्टेप में कर रहे हो, चल गया ना, इस तरह करके पूछोगे चलेगा वो। ये बात सबको समझ आई ना क्या हो रहा था इनके साथ, पहला जब लॉन्च इंटेंट चला उसमें रीप्रॉम्प्ट आ रहा था, तो इन्होंने कहा भाई कराची का वेदर तो उसको पता चल गया, लेकिन जब कराची का वेदर आपने बताया कि भाई 20 डिग्री है और वहां पे कहानी खत्म हो गई है, ठीक है, वो माइक ओपन नहीं रखेगा, अगर फिजिकल डिवाइस में या मोबाइल ऐप में करेंगे माइक ओपन नहीं रखेगा वो, अब जो भी आप बात बोलेंगे ना आपकी ऐप बंद हो चुकी है, वो डायरेक्ट एलेक्सा के पास जाएगा। रीप्रॉम्प्ट लगाओगे तो वो रिजेक्ट मारेंगे, ठीक है, रीप्रॉम्प्ट अगर बिलफर्ज लगाना चाह रहे हो रीप्रॉम्प्ट, तो फिर उसका जुगाड़ ये जो अभी हम लोग करते हैं कि बात आपने बता दी पूरी, अब लास्ट में आपने पूछा कि भाई वुड यू लाइक टू नो एनी अदर सिटी, इस तरह करके कोई क्वेश्चन आप डालो और फिर उसमें रीप्रॉम्प्ट भी लगा दो, अब तो फिर वो क्लोज नहीं होगा, माइक खुला ही रहेगा, फिर वो जब बंदा बोलता रहेगा माइक खुला रहेगा, ठीक है। अच्छा नो थैंक्स, फिर आपको एक इंटेंट नो थैंक्स भी बनाना पड़ेगा जिसपे आपकी वो खत्म हो, मतलब ठीक है, तो वो करके देख लेना उस तरह से हो जाएगा जी। एक और क्वेश्चन है पूछें प्लीज। चार पांच सेंटेंस बना दो, प्लग का फंक्शन पढ़ाया था ना बुक में, प्लग के नाम से एक फंक्शन था, वो ही तो बता रहा था वो। हाँ वो कह रहे हैं कि भाई आप ना 4, 5, 6, 7 जितने सेंटेंसेस है ना आप पहले से बना के रख लो, ठीक है, और फिर आप क्या करो डॉट प्लग करके रैंडमली कोई भी एक सेंटेंस भेजो, चलेगा, सही है जी। अच्छा भाई ये क्लियर हो गया तुम्हारा सवाल। अच्छा अब हम चलते हैं बुक की तरफ कह रहा हूँ, सॉरी तुम्हारा ये स्टॉप कैसे होगा। अच्छा ये रहा, वन पार्टिसिपेंट कर दिया ना मैंने, अच्छा स्टॉप हो गया, अब मैं ओपन कर लेता हूँ अलेक्सा स्किल किट और एंटर, ठीक है जी। मैं उसी वेदर ऐप में चला जाता हूँ जो मैंने पहले बनाई थी, ठीक है, कंसोल, और हम क्या करते हैं कुछ बुक हमने इक्वल कर दिया दोनों सेक्शन का, वेदर ऐप दोनों बना चुके हो। वेदर ऐप में मैं ये बताना चाह रहा था, बात बीच में रह गई वो, कि भाई जो वेदर ऐप है ना आपकी, वो सब लोगों को बनानी है, ठीक है, अगर किसी ने नहीं बनाया तो वो बना ले और उसको गिटहब में पुश कर दे, सही है, एक तो ये असाइनमेंट अलग है, और उसको पब्लिश कर दे ये असाइनमेंट अलग है, ये दो असाइनमेंट्स हैं आपके, ठीक है, अगर किसी ने गेट नहीं की थी मेरी बात तो मैं दोबारा से एक्सप्लिसिटली बता रहा हूँ, ये दो असाइनमेंट्स हैं कि उसको आपको बना के उसको गिटहब में पुश करना है ताकि सब लोग देख सकें उसको, नंबर दो पब्लिश करना है, पब्लिश करके उसका जो लिंक है ना वो भी गिटहब में आप लगाना है आपको, तो ये दो असाइनमेंट्स हैं आपके, कर लेना अगर किसी ने नहीं किया तो, ठीक है जी। अच्छा मेरे साथ तो हुआ ये कि मैं दूसरे अकाउंट में था, यहाँ से क्लिक किया ना तो ये देखो चेंज यूजर लिखा हुआ है ना, इसमें आईवाओ और साइनेट टेक्नोलॉजी और ये सिज़्वॉर्क मेरा वाला है, बाकी दो दूसरे के हैं, तो मैं आईवाओ पे चला गया था,
ठीक है, तो ये नीचे मेरे दूसरे भी नजर नहीं आ रहे थे। ये बुक जब मैंने पढ़ी थी ना काफी पहले 2018-17 में, तो ये सुपर स्लीपर मैंने उस टाइम बनाया था, तो मुझे वो नजर नहीं आ रहा था। मैं सोच रहा था यार क्या सीन है, बट मैंने कहा चलो पढ़ा रहे हैं अभी, चलो जो हो रहा है चल रहा है। जैसे ही मैंने पब्लिश किया उसका मैसेज आया कि भाई अपना अकाउंट यूज करो। मैंने कहा चलो सही है, तो मैं रिमूव मैंने किया ना। क्या चीज पूछ रहा हूँ मैं, समझा नहीं हुआ सवाल। हाँ यार कुछ हुआ होगा इसमें, ये 2019 में बनाई थी, 2019 के पांचवें छठे महीने में बनाई थी, तो कुछ हो गया होगा, इनकी पॉलिसी वॉलिसी चेंज हुई होगी, उसके हिसाब से नहीं होगा तो वो रिमूव हो गई। अब क्लाइंट ने अगर मुझे बोला है कि भाई मेरी रिमूव हो गई है देख लो कुछ कर लो, फिर देखेंगे, नहीं बोला तो मतलब उसका काम खत्म हो गया होगा ऑफकोर्स। हाँ रिमूव नहीं है, देखो डेफ वाला तो है ना, जो लाइव था ना वो रिमूव हो गया, जो लाइव था ना वो रिमूव हो गया। अच्छा आई एम नॉट श्योर कि ये लाइव जो है क्या चक्कर है, ये कोई एक्सेस वैक्सेस उसने मुझे दिया था क्या किया था अल्लाह जाने, क्योंकि वहां पे लाइव एक तो शो हो रहा था, हमने लास्ट जो देखा था लाइव एक शो हो रहा था, पता नहीं ये रिमूव वाला कौन सा है। मे बी मैंने पर्सनल से पब्लिश कर दिया हो, मैंने खुद ही रिमूव किया हो बाद में, मे बी ये भी हो सकता है। ठीक है यही हुआ होगा, वैसे पब्लिश कर दिया होगा मैंने अपने अकाउंट से, उसने कहा होगा यार मैं आपका नाम क्यों लिखा पा रहा है, मेरा नाम आना चाहिए, तो उसने फिर मुझे एक कंपनी बना के उसका एक्सेस दिया और वो सारी चीजें हुई। अच्छा तो मैं मलिक वेदर असिस्टेंट के अंदर चला गया। चल भाई जल्दी जल्दी चल। अच्छा और साथ साथ मैं क्या करता हूँ, इसकी डॉक्यूमेंटेशन में भी जाकर और मैं ये देखने की कोशिश करता हूँ कि भाई ये जो लाइब्रेरी मेरी लिखी हुई है ना ASK करके जो कोर है, कोड में आ गया मैं, ठीक है कोड भी खोल लिया मैंने और टेस्टिंग भी खोल ली। तो इसमें जो ASK कोर करके जो लाइब्रेरी का लिंक लगा हुआ है उसकी डॉक्यूमेंटेशन अब हम देखना चाह रहे हैं। ठीक है बुक में तो थोड़ा सा उसने एक दो बातें बताई, वो तो हमने समझ ली। अच्छा वो लाइब्रेरी कहाँ से मुझे मिलेगी, ढूंढते हैं भाई उसको। मैं गया अलेक्सा में और गेटिंग स्टार्टेड में देखा मैंने, ठीक है यहाँ पे से कहीं ना कहीं उसका लिंक लगा हुआ होगा। गेट डीपर में गया, विजिट द अलेक्सा डिजाइन गाइड, अलेक्सा स्किल टाइप, एप्लीकेशन APIs, SDK एंड एडिशनल टूल्स। ठीक है ये SDK एंड एडिशनल टूल्स जो है ना यहाँ पे उस SDK का लिंक होगा, तो मैं इसमें चला जाता हूँ। थोड़ा सा इन्होंने घुमाया हुआ है इसमें, क्लिक किया मैंने और ये क्या हो रहा है, क्लिक नहीं हो रहा, पता नहीं क्या हो रहा है। अच्छा SDK एंड ये स्क्रॉल करके नीचे आना था उसको एक्चुअली, बट वो शायद काम नहीं कर रहा। अच्छा ASK SDK, अब किसके लिए, ये Node.js, Python, Java सबके लिए है। मैंने कहा लर्न मोर, अब मुझे इसके अंदर Node.js वाला सेलेक्ट करना है। ठीक है जी, अब यहाँ पे ये कह रहा है कि भाई ASK के फीचर्स क्या क्या हैं, हेलो वर्ल्ड एंड अदर सैंपल्स, छोटे छोटे सैंपल्स उसमें पहले से बने हुए हैं, रिक्वेस्ट हैंडलिंग का बना हुआ है उसमें, ठीक है रिस्पॉन्स बिल्डर है कि भाई स्पीक आउट और रीप्रॉम्प्ट, ये रिस्पॉन्स बिल्डर्स हैं। वो असल में क्या होता है कि हमें जो फुलफिलमेंट से JSON रिटर्न करना होता है, ठीक है तो ये क्या करता है, ये बिल्डर है रिस्पॉन्स, हम कहते हैं ना रीप्रॉम्प्ट, तो रीप्रॉम्प्ट का जो JSON है वो बिल्ड करके हमें आसानी कर देता है बस, और कोई इसका काम नहीं है ज्यादा खास में। अच्छा अब इसने तीनों का यहाँ पे लिंक दे दिया है कि भाई Node.js, Python, Java कि किसी पे भी क्लिक करो उसकी उस पर चले जाओ। अच्छा ये भाई इसके अपडेट्स हैं कि लास्ट में कब कौन सा अपडेट आया है, उसमें क्या इन्होंने काम किया है, तो आखिरी अपडेट इसकी कब आई है भाई, 22/7/2020, ठीक है काफी पहले आई है आखिरी अपडेट। तो खैर हम Node.js वाले में चले जाते हैं भाई, ठीक है Node.js वाले पे चले गए हम। इसने GitHub का एक ऐसे लिंक खोल के मुझे बता दिया कि भाई ये आपका जो है ना वो है, ठीक है जी ठीक है, Amazon पे डिस्प्ले, गैजेट्स, मैसेजिंग, वीडियो लिस्ट सब यहाँ पे आपको अवेलेबल मिल जाएगा जो जो चीजें हैं। अच्छा ये छोटी छोटी एग्जांपल्स इन्होंने बनाई हुई हैं, ठीक है पेट मैच, सिटी गाइड, क्विज गेम, ये एग्जांपल्स आप देख सकते हैं कि इन्होंने किस तरह से किया है। भाई ASK कोर है ना हमारा, कोर पे चला गया मैं, ठीक है जी ये कोर का काफी यानी लंबा घुमा दिया इसका, मैं लिंक डाल दूंगा रिपोजिटरी में, ठीक है कहीं पता चले आपको मिले ही ना बाद में, ठीक है ऐसे रिक्वायर करना बता दिया, वो तो पहले से हुआ है रिक्वायर वगैरह उसमें। अब इसके जो
गेटिंग स्टार्टेड एंड यूजेज गाइड, एक के बाद एक, एक के बाद एक लिंक ही खुलता जा रहा है और आखिर में क्या आ गया, स्केजुअल मेंटेनेंस। मैं जरा वो वीपीएन लगा लूं अपने पास, ठीक है, वीपीएन लगाने से ये मसला जो है वो सॉल्व हो जाएगा आई थिंक। लास्ट टाइम भी मैंने जब वीपीएन कनेक्ट किया था तो ये सेट हो गया था, ठीक है भाई, वीपीएन इनेबल होता ही सेट हो गया। इंस्टॉल रिमाइंड मी लेटर, ठीक है भाई। तो फाइनली हम उस डॉक्यूमेंट में पहुंच चुके हैं, वो कौन सा है, एएसके एसडीके का डॉक्यूमेंट है फॉर नोड.js, ठीक है भाई। अच्छा, इसका लिंक मैं क्या करता हूँ, कॉपी करता हूँ यहाँ से, और कॉपी करके आपका जो रिपोजिटरी है ना उसमें डाल देता हूँ, ओपन रीसेंट सेक्शन ए। अच्छा, सेक्शन बी वाले को ना मैं आर्काइव कर रहा हूँ, सही है, सेक्शन ए जो है उसके अंदर अब सारा कोड में डालूंगा। ठीक है, लाइब्रेरी डॉक्स करके मैंने एक लगा दिया रीडमी के अंदर ही, और इसमें ये लिंक मैंने पेस्ट कर दिया है, सेव किया इसको मैंने, और इसको मैंने कहा लिंक सिंक चेंजेस। अच्छा, तो सेक्शन ए वाले में अब सारा कोड आएगा, बी को मैं आर्काइव कर रहा हूँ, सेक्शन बी की जो रिपोजिटरी है उसको मैं आर्काइव कर रहा हूँ, उसमें अब मजीद कोई कोड नहीं डालूंगा। अच्छा भाई, तो इसमें अब हम स्टेप बाय स्टेप देखते हैं कि इन्होंने जो पूरी गाइड बनाई है इस लाइब्रेरी की उसको वॉक थ्रू कर लेते हैं पूरा ना, शुरू से आखिर तक, ताकि आप खुद भी इसको बाद में पढ़ सकें, और जो चीजें जाहिर है हम पूरी लाइब्रेरी की चीज हम कवर नहीं कर सकते, मैं दो चार चीजें रन करके दिखा दूंगा, बाकी भी उसी तरह से होती है। अच्छा, सेटअप तो पहले से हुआ हुआ होता है, ठीक है, उसमें लगा हुआ होता है पहले से वो, लेकिन फिर भी हम सेटअप को जरा सा एक दफा हम गो थ्रू कर लेते हैं, ठीक है भाई। ये सेटअप हो गया हमारा, ट्यूटोरियल फॉर योर फर्स्ट स्किल, कि पहली स्किल आपको जो बनानी है उसके लिए ट्यूटोरियल इन्होंने दिया है, ठीक है भाई। ये क्रिएट एम्प्टी स्किल, और स्टेप वन से शुरू किया है इसने, और पूरा जो हमने पहली क्लास में बनाया था ना हेलो वर्ल्ड एलेक्सा स्किल किट, एलेक्सा की स्किल, वो पूरा इसने यहाँ पे बनवाया है, ठीक है। ऐड रिक्वेस्ट हैंडलर, ठीक है, कह रहा है इस तरह से कोड लिखो आप, हैंडल और कैन हैंडल, ठीक है, और एएसके वेदर इंटेंट आप बना लो, ठीक है, वेदर ऐप इसने भी बनाई हुई है, ठीक है भाई। हेल्प इंटेंट में कुछ डाल दो आपके भाई, कुछ हेल्प वाली चीजें, मतलब उस हेल्प में आप यूजर को बता रहे होगे कि अच्छा ये स्किल कैसे यूज होती है, क्या होता है, ठीक है। कैंसिल इंटेंट है, ये सारी चीजें, तो ये पहली स्किल है। अच्छा, माइग्रेशन गाइड जो है वो पुराने वर्जन से इस पे माइग्रेशन वाला चक्कर है, उसको भी हम देख लेते हैं माइग्रेशन में क्या क्या बता रहे हैं। ये चल रहा बहुत स्लो यार, बैकवर्ड कंपैटिबिलिटी प्रीरिक्विजिट माइग्रेशन अलेक्सा एसडीके v1 से v2 पे माइग्रेशन की ये गाइड, ठीक है, एडिंग v2 रिक्वेस्ट हैंडलर, ठीक है। तो हम डायरेक्ट v2 पे बना रहे हैं, हमें v1 की जरूरत नहीं है। प्रोसेसिंग रिक्वेस्ट, रिक्वेस्ट जो पहुंचेगी मेरे पास कोड में उसको प्रोसेस कैसे करना है वो यहाँ पे, स्टैंडर्ड रिक्वेस्ट, ठीक है, हैंडल इनपुट। अब इसमें जो जो उसमें होता है ना रिक्वेस्ट के अंदर जो जो चीजें होती हैं वो ये बता रहा है, ठीक है, क्या होगा उसमें। रिक्वेस्ट एनवलप जो है कंटेन्स रिक्वेस्ट बॉडी सेंड टू द स्किल, ठीक है। मिसाल के तौर पे जब आपके पास रिक्वेस्ट पहुंचेगी तो आप उस पर डॉट करके रिक्वेस्ट एनवलप लगाएंगे ना, तो आपको वो पूरा बॉडी मिल जाएगा जो आपके सर्वर पे भेजा गया है। देख लेते हैं हम कोड में कैसे इन्होंने करा हुआ है इस चीज को, ठीक है। यहाँ पे जहां पे हमने स्लॉट निकाला था ना उस जगह पे आपने देखा होगा ये रहा हैंडल इनपुट डॉट रिक्वेस्ट एनवलप। तो ये रिक्वेस्ट एनवलप क्या है, ये रिक्वेस्ट की जो पूरी बॉडी है ना वो इसके अंदर आपको मिलेगी। इसको अगर आप प्रिंट करवा लें कंसोल पे तो आप देख सकते हैं कि रिक्वेस्ट में एक्स वाई जेड जो जो मिला है वो सब इसमें आ रहा होगा। तो इन्होंने इसमें से डॉट करके गेट किया रिक्वेस्ट डॉट इंटेंट डॉट स्लॉट्स, ये इन्होंने गेट कर लिया, बाकी चीजों को छोड़ दिया। अच्छा, रिक्वेस्ट एनवलप ये हो गया। एक है रिस्पॉन्स बिल्डर, उसी रिक्वेस्ट हैंडल में एक रिस्पॉन्स बिल्डर के नाम से एक चीज है, क्या है, कंटेन्ड हेल्पर मेथड्स, ठीक है। नोट कीजिएगा यहाँ पे ये हेल्पर मेथड कह रहा है,
वो जस्ट हेल्प करता है आपको जेसन क्रिएट करने में, बस आप जेसन खुद से भी भेज सकते हैं, इसको यूज ना भी करें, इसको यूज करने से आसानी हो जाती है। ठीक है भाई। अच्छा तो बिल्ड रिस्पॉन्सेज के लिए आप ये कह रहे हैं, मजीद इस बारे में आप देखें कि ये मेथड कैसे इस्तेमाल होते हैं, बिल्ड रिस्पॉन्सेज का डॉक्यूमेंट जो कि इसके अगले ही सेक्शन में यहाँ पे आपको नजर आ रहा है। ठीक है। अच्छा तीसरा क्या होता है, एट्रीब्यूट्स मैनेजर प्रोवाइड एक्सेस टू द रिक्वेस्ट सेशन एंड परसिस्टेंट एट्रीब्यूट्स। ठीक है, परसिस्टेंट एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं, देखो अब ये इस चीज को ना गौर से यहाँ पे समझना, ये पूरे ये अलेक्सा में भी और गूगल असिस्टेंट में भी ये दोनों चीजें सेम है। ये जो एट्रीब्यूट्स मैनेजर है ना, इसके अंदर तीन चीजें बता रहा है ये होता है, नंबर एक सेशन, सॉरी एक्सेस टू रिक्वेस्ट सेशन एंड परसिस्टेंट स्टोरेज। सेशन क्या चीज होती है, आपने बात शुरू की अलेक्सा के ऐप से, अच्छा जब तक आपकी कन्वर्जेशन चलती रहेगी ना वो एक सेशन कहलाता है, कन्वर्जेशन एंड हो गई एक सेशन खत्म हो गया। ठीक है, और उस सेशन की एक यूनिक आईडी होती है। तो बाज औकात आपको क्या करना पड़ता है, मतलब हर सेशन में क्या बात पूछी जा रही है ना वो सेशन वाइज डेटाबेस में स्टोर करनी पड़ सकती है। ठीक है, या सेशन आईडी के जरिए आपको कुछ यूनिकनेस करनी होती है। ठीक है, इंडिविजुअल बंदे को आपको डिटेक्ट करना होता है कि अच्छा यार ये सेशन आईडी न्यू है तो इसका मतलब है ये नया यूजर है, ये वो वाला नहीं है जो पहले आया था, तो वो आपको मिलता है। उसके अलावा परसिस्टेंट एट्रीब्यूट्स, परसिस्टेंट एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं कि भाई बंदा ना बैक टू बैक सवाल जवाब कर रहा है। ठीक है, बंदे ने बैक टू बैक पिज्जा ऑर्डर किया है और अब वो कह रहा है कि मुझे कोल्ड ड्रिंक चाहिए, तो मिसाल के तौर पे या एक पिज्जा ऑर्डर कर चुका है, मैं पूछ रहा हूँ भाई कुछ और तो नहीं ऑर्डर करना, दूसरा पिज्जा वो बोलेगा तो वो जो एक पिज्जा है वो मैं सेव कहाँ करूंगा। उसके लिए मेरे पास दो ऑप्शन होते हैं, एक तो ये कि डेटाबेस में सेव कर दूंगा कि भाई इस सेशन आईडी पे या अगर बंदा लॉग इन है तो इस ईमेल से ये एक ऑर्डर आया है, लेकिन डेटाबेस में मैं कब सेव करना चाहूंगा, मोस्ट ऑफ द टाइम जब वो सारी बातें बोल ले जब सेव करना चाहूंगा। ठीक है, या मिसाल के तौर पर क्विज ऐप बन रही है आपकी, क्विज ऐप हम बनाएंगे भी इंशाल्लाह, क्विज ऐप आपकी बन रही है अगर, तो आप ये बात कैसे याद रखेंगे कि क्विज का तो एक ही इंटेंट है ना, वो कहेगा आई एम रेडी फॉर द क्विज, आपने पहला सवाल फेंका। ठीक है, तो आपको ये कैसे पता चलेगा कि पहले सवाल का जवाब उसने दे दिया है, अब दूसरा क्वेश्चन है, अब तीसरा क्वेश्चन है, अब चौथा क्वेश्चन है। ठीक है, तो वो परसिस्टेंट स्टोरेज में आप उस चीज को कैरी कर सकते हैं, एक नंबर लगा दें उसको आप इंक्रीमेंट मारते रहेंगे, जब जब हिट होगा जब जब इंक्रीमेंट करेंगे। ठीक है, तो ये डायलॉग फ्लो में इस चीज को कहते हैं ये कॉन्टेक्स्ट। ठीक है, कॉन्टेक्स्ट भी इसके अंदर है, कॉन्टेक्स्ट थोड़ी सी डिफरेंट चीज है, परसिस्टेंट ये काइंड ऑफ लोकल स्टोरेज है, अगर किसी ने HTML में सॉरी JavaScript के अंदर लोकल स्टोरेज अगर किसी ने देखा है तो ये लोकल स्टोरेज काइंड ऑफ चीज है, तो ये भी समटाइम काफी यूजफुल रहती है बहुत सारी चीजों में। अच्छा, सर्विस क्लाइंट फैक्ट्री, सर्विस क्लाइंट फैक्ट्री करके एक चीज है, कंस्ट्रक्ट सर्विस क्लाइंट कैपेबल ऑफ कॉलिंग द अलेक्सा APIs, सी कॉलिंग अलेक्सा APIs। ठीक है, अलेक्सा की बहुत सारी सर्विसेज हैं वो आप कर सकते हैं, वो इस सेक्शन में जाके हम देख सकते हैं कि वो कौन कौन सी सर्विसेज हैं जो इन्होंने प्रोवाइड की है। अच्छा, कॉन्टेक्स्ट है सबसे लास्ट में, प्रोवाइड एन ऑप्शनल कॉन्टेक्स्ट ऑब्जेक्ट पास इन बाय होस्ट कंटेनर फॉर एग्जांपल फॉर अलेक्सा रनिंग ऑन AWS Lambda, दिस इज द कॉन्टेक्स्ट ऑब्जेक्ट फॉर AWS Lambda मेथड। ठीक है, ये एक कॉन्टेक्स्ट होता है। अच्छा, कॉन्टेक्स्ट जो डायलॉग फ्लो में ना वो थोड़ा इससे मुख्तलिफ है। ठीक है, इसके अंदर जो कॉन्टेक्स्ट है वो ये कह रहे हैं कि भाई अगर लैम्डा फंक्शन में चल रहा है ना तो आपको उसमें लैम्डा की सारी डिटेल्स मिलेंगी कॉन्टेक्स्ट के अंदर। परसिस्टेंट एट्रीब्यूट, ये एट्रीब्यूट मैनेजर है ना, ऐसे करके आपको ये एट्रीब्यूट सारे मिल रहे होते हैं। अच्छा, इसको मैनेज कैसे करना है, इसको चेकिंग और इसको सेट कैसे करना है, वो इसके नीचे लिंक दिया हुआ है ना मैनेजिंग एट्रीब्यूट्स, इसके अंदर वो है, लेकिन हम अभी मैनेजिंग एट्रीब्यूट पहले बिल्डिंग रिस्पॉन्सेज को देख लेते हैं कि उसमें क्या क्या है। अच्छा, इसी तरह हैंडल रिक्वेस्ट की कुछ नीचे बातें इसने और भी की हुई है, कैन हैंडल और हैंडल का फंक्शन बताया हुआ है कि भाई ये दो फंक्शन है जो कौन दे रहा है आपको, ये लाइब्रेरी दे रही है आपको। ठीक है जी, ये इसने हेलो वर्ल्ड इंटेंट बना के इसमें हैंडल और कैन हैंडल ये दोनों लगाकर बता दिया और सिंपल वहां से एक रिस्पॉन्स भी भिजवा दिया। ठीक है, अच्छा नोट कीजिएगा आप, यहाँ पे इन्होंने रिस्पॉन्स के साथ ना स्पीक के साथ रीप्रॉम्प्ट नहीं लगाया, स्पीक के साथ क्या लगाया, सिंपल कार्ड, ये नोट कर रहे हैं आप, सिंपल कार्ड इसने लगाया। अब ये सिंपल कार्ड को ना आप अपने जहन में रख लें, यहाँ से कॉपी कर लिया मैंने। ठीक है, अब बिल्डिंग रिस्पॉन्सेज वाले में जाऊंगा ना जब, तो वहां पे इस तरह की और भी चीजें आपको मिलेंगी।
ठीक है, कार्ड के अलावा भी ये कोड सैंपल है, वो ये ऊपर वाला ही कोड है ये. फॉर द फॉलोइंग एग्जाम्पल शोज हाउ टू रजिस्टर इंटरसेप्टर विद द एसडीए. इंटरसेप्टर ये होता है कि हर आने और जाने वाली रिक्वेस्ट ना इससे होके गुजरेगी. ठीक है, इंटरसेप्टर इस तरह से होता है. एक्सियोस के अंदर भी इंटरसेप्टर होता है. ठीक है, एरर को किस तरह हैंडल किया जाएगा वो यहाँ पे लिखा हुआ है इन्होंने. तो ये जो डॉक्यूमेंट है ना आपका, वो बुक तो पढ़ ली आपने एक दफा, लेकिन हमेशा जब आप डेवलपमेंट करेंगे तो ये डॉक्यूमेंट आपके सामने होगा. इस डॉक्यूमेंट में अप टू डेट चीजें मिलेंगी आपको. बुक तो जाहिर है आउट ऑफ डेट हो जाती है एक पॉइंट के बाद, या उसका अपडेटेड वर्जन आ जाता है, उसमें नया डेटा होता है. ये फ्री ऑफ कॉस्ट ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन है. इसको गो थ्रू करने से अब आपको डर नहीं लगेगा. कैन हैंडल ये करता है, ये डिसाइड करता है कि जो रिक्वेस्ट आई है वो इस फंक्शन में हैंडल होनी चाहिए या दूसरे फंक्शन में होनी चाहिए. इन्होंने मिडलवेयर काइंड ऑफ किया हुआ है ना, कि छोटे 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 अलग अलग फंक्शन बना देते हैं. ये लैम्डा फंक्शन स्पेसिफिक चीज भी है काइंड ऑफ. तो जैसे एक्सप्रेस में होता है आपके अलग अलग मिडलवेयर होते हैं, तो जब रिक्वेस्ट पहुंचती है तो एड्रेस को मैच करती है कि अच्छा स्लैश यूजर है तो ये हिट होगा, अदरवाइज कोई और होगा. इसमें कैन हैंडल है. तो कैन हैंडल में आप नोट कीजिए इसने क्या लगाया हुआ है. अभी तो इसने वो नहीं लगाया हुआ, अगर आप बुक वाला कोड देखें ना, वो निस्बतन ज्यादा आसान है समझने के अलावा. उसने एक सिंपल इफ कंडीशन लगाई हुई है कि अगर इंटेंट का नाम ये है तो चला दो, अदरवाइज वो आगे पास कर देगा, अगले फंक्शन पे मूव कर जाएगा, अगले फंक्शन पे भी कैन हैंडल चलेगा. ठीक है, तो जितनी रिक्वेस्ट जाती है ना वो लिस्ट होती है कैन हैंडल की, वो उस पर एक एक करके लग रहा होता है, जिसपे हिट हो गया वो वाला चल पड़ता है. ठीक है जी, तो ये डॉक्यूमेंटेशन पे गो थ्रू करवाने का मकसद ये था कि आप कल को जब ये डॉक्यूमेंट खोले ना तो आपको इससे डर ना लगे. ठीक है, समझ में आ गया ना इस डॉक्यूमेंट में क्या लिखा हुआ है. कोई इसमें हाथी घोड़े नहीं है, और बुक ने भी, जो बुक का राइटर है उसने भी यहीं से देख के लिखा है. ठीक है, उसको कोई इल्हाम नहीं हुआ था या अमेजोन ने उसके घर पे आके नहीं बताया था, वो यहाँ से देख के उसने बुक लिखी. तो अच्छा, अब आगे जाते हैं अगले सेक्शन के ऊपर, बिल्डिंग रिस्पॉन्सेज. अच्छा भाई, बिल्डिंग रिस्पॉन्सेस के अंदर ना सबसे पहला इसने लिखा हुआ है स्टैंडर्ड रिस्पॉन्स. इफ यू आर यूजिंग द लैम्डा एज योर स्किल एंड पॉइंट, यू आर ओनली रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोवाइडिंग रिस्पॉन्स बॉडी इन ऑर्डर फॉर अलेक्सा टू रिस्पॉन्ड टू अ कस्टमर रिक्वेस्ट. ठीक है, अब इसने यहाँ पे एक पॉइंट पे एक बात बताई है, ये गौर करने वाली बात है. कह रहा है कि अगर आप लैम्डा फंक्शन इस्तेमाल कर रहे हैं तो आपको सिर्फ बॉडी बताने की जरूरत है. ठीक है, जो अभी हम कर रहे हैं भाई, तो आपको सिर्फ बॉडी बताने की जरूरत है, बाकी कुछ भी करने की जरूरत नहीं है आपको. अच्छा, द डॉक्यूमेंटेशन ऑन द जेसन स्ट्रक्चर ऑफ रिस्पॉन्स बॉडी कैन बी फाउंड हियर. अब हम देख लेते हैं कि अगर हम ये नहीं इस्तेमाल करते तो हम कौन सा जेसन है, किस तरह का वो भेज रहे होते, वो जेसन देख लेते हैं. ठीक है भाई, अब उस जेसन को ढूंढने में इतना टाइम लग रहा है. अच्छा, ये है वो जेसन हमारा. ठीक है, कह रहे हैं कि भाई अगर आप लैम्डा फंक्शन यूज कर रहे हैं तो आपको सिर्फ ये रिस्पॉन्स जो है ना, रिस्पॉन्स की जो बॉडी है ये इतना, ये ऊपर वाला पार्ट आपको भेजने की जरूरत नहीं है, ये रिस्पॉन्स बॉडी भेजने की जरूरत है, जो रिस्पॉन्स भेज रहे होते हैं उसके अंदर. ठीक है, अच्छा आप नोट कीजिएगा इस पॉइंट पे कि हम जो भेजते हैं ना स्पीच, जब हम लिखते हैं डॉट स्पीक, तो असल में वो क्या करता है, वो इस तरह का एक जेसन ऐड कर देता है आपके रिस्पांस में. ठीक है, जब हम भेजते हैं ना रीप्रॉम्प्ट, तो रीप्रॉम्प्ट का ये ऑब्जेक्ट है, वो ये ऐड कर रहा होता है पहले से बने हुए मेथड आसानी के लिए. अगर हम वो यूज नहीं कर रहे होते तो हम सिंपल इस तरह का जेसन भेजते हैं, उससे भी चल जाता, एक ही बात है वो. ठीक है, अब हम कार्ड भेज, चलो यहाँ तक तो सही है ना, स्पीच और रीप्रॉम्प्ट में तो ज्यादा लंबी कहानी नहीं है. जैसे कार्ड है ना, अब इसके अंदर बहुत सारी चीजें रिक्वायर्ड है, वो अगर आपने नहीं दिया ना तो वो चलेगा नहीं, एरर करेगा. तो आपको उसमें भी हेल्प आउट करता है लाइब्रेरी. लाइब्रेरी आपको पहले ही एरर दे देती है कि अच्छा भाई ये रिक्वायर्ड है, ये आपको देना ही पड़ेगा. ठीक है, तो ये कार्ड हो गया. उसके अलावा मुख्तलिफ डायरेक्टिव्स हैं, वो आप इसमें एरे में पास कर सकते हैं. ठीक है, अब सबकी एक एक डिटेल है कि भाई रिस्पॉन्स में कौन कौन से ऑब्जेक्ट हो सकते हैं. ठीक है, स्पीच आउट हो सकता है, कार्ड हो सकता है, रीप्रॉम्प्ट हो सकता है इसमें. ठीक है भाई, शुड एंड सेशन हो सकता है. इसी तरह मुख्तलिफ डायरेक्टिव्स हो सकते हैं, वो अभी हम देखेंगे कि कौन कौन से डायरेक्टिव्स हैं.
अच्छा भाई, वापस इसको क्लोज करके मैं अपने मेन डॉक्यूमेंटेशन में आ गया जी दोस्त। दोबारा बोलो ये लास्ट वाला क्या बोला। प्रॉम्प्ट से करेंगे ना। देखो असल में जब हम प्रॉम्प्ट लगाते हैं ना, एक मिनट, इसमें प्रॉम्प्ट और रीप्रॉम्प्ट अलग अलग है क्या? देखो एक तो तुम ये पूछ रहे हो कि जब मैं इंटेंट बना रहा होता हूँ उस वक्त तो मैंने वहीं पे बताया हुआ है ना कि भाई रिक्वायर्ड है ये, और अगर ये नहीं मिले तो वहीं पे पूछ लो उससे। एक तो मैंने वहां पे कर दिया वो, अगर मैं उसको रिक्वायर्ड वहां पे नहीं करूंगा ना तो वो उसको बगैर लिए मेरे कोड में आ जाता है, तो कोड से भी मैं वापस भेज सकता हूँ। तो कोडिंग में यही तो बता रहा हूँ, उसको रिक्वायर्ड नहीं लगाओगे तुम, ठीक है? जैसे ही बंदा कुछ बोलेगा इंटेंट हिट होगा, कोड में आ जाएगा लेकिन वो स्लॉट नल होगा, मैं यहाँ से रीप्रॉम्प्ट भेजूंगा उसको वापस, ठीक है? डॉट स्पीक डॉट रीप्रॉम्प्ट। अगर मैं रीप्रॉम्प्ट नहीं भेजूंगा ना माइक बंद हो जाएगा, ये मसला है, ठीक है? तो रीप्रॉम्प्ट मुझे लाजमी लगाना पड़ेगा, स्पीक उसी तरह होगा, रीप्रॉम्प्ट हाँ 8 सेकंड बाद रीप्रॉम्प्ट बोलेगा तो आपका स्पीक का डेटा अलग होगा ना यार। स्पीक में आप ये थोड़ी बोलोगे कि टेम्परेचर इज फला फला, आप स्पीक में ये बोलोगे ना कि मुझे सिटी का नाम नहीं मिला, फिर रीप्रॉम्प्ट में उसी बात को बोलोगे कि भाई 8 सेकंड हो गए आपने अभी तक बोला नहीं सिटी का नाम, समझ रहे हो? आपके दोस्त ने एक सवाल पूछा, सब लोगों को समझ आया क्या जवाब इसको मिला? भाई इन्होंने मुझसे ये पूछा कि भाई एक तो तरीका ये होता है कि मैंने एक स्लॉट बनाया है कि व्हाट्स द वेदर, एक ये स्लॉट बनाया, उसमें सिटी का नाम बंदे ने नहीं बोला, तो एक तो तरीका ये है कि मैं इंटेंट में ही चेक लगा दूंगी रिक्वायर्ड, और वहीं पे बंदा बोले जब तक नहीं आगे नहीं बढ़ने दे उसको, ठीक है? अगर मैं ये चाह रहा हूँ कि मैं उसको कोड में हैंडल करूं तो इसका क्या तरीका है वो हमने यहाँ करके भी देखा। जो हमने वेदर ऐप यहाँ पे बनाई थी उसके अंदर हमने उसको रिक्वायर्ड नहीं किया था, वहां हमने उसको छोड़ दिया था, ठीक है? तो जब बंदा वहां से बोलता है कि व्हाट्स द वेदर, तो रिक्वेस्ट मेरे डायरेक्ट सर्वर पे आ जाती है, उसमें वो स्लॉट क्या होता है अनडिफाइन होता है, तो फिर मैं यहाँ से कहता हूँ कि भाई इफ अगर स्लॉट इज इक्वल टू अनडिफाइन या स्लॉट नहीं है मेरे पास खाली आ गया है, तो मैं कहता हूँ कि भाई यूजर से पलट के पूछो, कैसे पूछोगे? डॉट स्पीक प्लीज टेल मी सिटी नेम, और रीप्रॉम्प्ट उसके साथ लेकिन लगाना जरूरी है, अदरवाइज वो माइक बंद कर देगा, तो रीप्रॉम्प्ट आपको लगाना पड़ेगा व्हाट्स द सिटी ऐसे करके, और दो उसमें होगा जाहिर है, एक स्पीक होगा एक रीप्रॉम्प्ट होगा, तो स्पीक में आप कहेंगे कि भाई प्लीज टेल मी सिटी, और रीप्रॉम्प्ट में आप उसी बात को कहेंगे कि यार 8 सेकंड हो गए अभी तक आपने बोला नहीं, इस तरह की कोई बात आप रीप्रॉम्प्ट के अंदर लगाएंगे। दोनों सेम भी कर दे तो फर्क नहीं पड़ेगा, एक ही बात है, ठीक है? ज्यादातर बुक में दोनों को सेम किया हुआ है बहुत सारी जगहों पे उसने, कि प्रॉम्प्ट और रीप्रॉम्प्ट दोनों सेम है। अच्छा, तो फिर यूजर जब बोलेगा ना सिटी नेम, तो दोबारा आपका ये रिक्वेस्ट हिट होगा, जो रिक्वेस्ट हैंडलर है ना दोबारा हिट होगा, इस बार जाहिर है चूंकि वो स्लॉट फिल कर चुका है तो मेरे पास वो अनडिफाइन वाला जो केस मैंने लगाया हुआ था वो नहीं चलेगा, उसके आगे वाला केस चलेगा, ठीक है? तो उसमें फिर प्रॉपर मैं गेट करूंगा वेदर रिस्पॉन्स बना के उसको दे दूंगा। अच्छा भाई, कह रहा है कि रिस्पॉन्स की जो बॉडी होती है ना उसमें तीन चीजें होती हैं, वर्जन होता है, ठीक है, सेशन एट्रीब्यूट्स होते हैं, और रिस्पॉन्स होता है। ये परसिस्टेंट एट्रीब्यूट्स की बात हो रही है, अभी वो अगले उस पर डिस्कस कर रहा है। अच्छा, अब ये कह रहा है कि भाई रिस्पॉन्स बिल्डर जो है ना आपका, उसमें ये मेथड मौजूद है, ये सारे मेथड उसमें मौजूद है। ये कौन से मेथड है? स्पीक हम चला के देख चुके हैं, रीप्रॉम्प्ट हम चला के देख चुके हैं, विद सिंपल कार्ड हमने चलाकर नहीं देखा, अभी देख लेंगे चलाकर, विद स्टैंडर्ड कार्ड ये भी हमने चला के नहीं देखा, ठीक है, विद लिंक अकाउंट कार्ड ये भी हमने चला के नहीं देखा, ठीक है? इसमें से हम 2-4 देख लेंगे जो कॉमन से हैं, मोस्ट कॉमन, उसको हम चलाकर देख लेंगे, बाकी आप खुद से भी एक्सप्लोर कर सकते हैं, ठीक है? इस डॉक्यूमेंट को पढ़कर मुख्तलिफ जगहों पे लोगों ने ट्यूटोरियल्स वगैरह भी डाले हुए होते हैं इसके, तो कुल मिला के बात यह है कि 2-3 जिस तरह चलेंगे ना बाकी भी उसी तरह चलेंगे, कोई फर्क नहीं है, ठीक है? इसी तरह ऑडियो अगर आपको भेजना है तो ये ऑडियो प्ले डायरेक्टिव है, ठीक है जी, ऑडियो प्लेयर स्टॉप डायरेक्टिव, ऑडियो प्लेयर पॉज क्लियर, ये सब इसके अंदर डायरेक्टिव्स मौजूद है,
ठीक है जी। अच्छा अब इन्होंने बताया कि भाई द फॉलोइंग एग्जांपल शोज हाउ टू कंस्ट्रक्ट अ रिस्पांस यूजिंग रिस्पांस बिल्डर हेल्पर मेथड। ठीक है, इन्होंने कहा भाई आप बोलो इनपुट हैंडल इनपुट डॉट रिस्पांस बिल्डर डॉट स्पीक, इतना तो बुक में लिख के बता दिया था, हमने कर भी लिया इतना। ठीक है, साथ में रीप्रॉम्प्ट, साथ में अब सैंपल कार्ड भी लगा दो, सैंपल कार्ड जो जो अवेलेबल है ना सब लगा दो। हम आते हैं अब अपने पास यहाँ पे अपने कोड में, और अपने कोड में हम आगे क्या करते हैं एक कार्ड बना के भेजते हैं इसको, क्या ख्याल है, जिसमें टेम्परेचर लिखा हुआ रहा हो। सही है, होना चाहिए ना वेदर ऐप में भाई, कार्ड भी तो आए, मतलब किसी के पास स्क्रीन वाली अलग से है तो उसको कुछ भी नहीं दिखेगा क्या, उसको भी कुछ दिखाते हैं। अच्छा भाई मैंने कहा डॉट स्पीक, और यहां पे मैं लगा देता हूं डॉट सिंपल कार्ड, डॉट क्या नाम था उसका, विद सिंपल कार्ड। ठीक है, अच्छा यहाँ पे मैं लिखता हूं ना तो ये वो भी देता है, सजेशन भी दे रहा होता है, विद नहीं दे रहा यार, देना चाहिए वैसे उसको सजेशन, लेकिन ये दे नहीं रहा। अच्छा तो हम देखते हैं कि भाई ये कार्ड कितने तरह के हैं और कौन सा कार्ड हमारे लिए सबसे ज्यादा सूटेबल रहेगा। ठीक है जी, एक है मेरे पास सिंपल कार्ड। सिंपल कार्ड में क्या होता है, कार्ड का टाइटल है और कार्ड का कंटेंट है। ठीक है, इस तरह से कुछ आ रहा होता है, सिंपल कार्ड है ये। एक है स्टैंडर्ड कार्ड, इसमें टाइटल होता है, कंटेंट होता है, और साथ में एक अदद इमेज भी होती है। ठीक है, स्मॉल इमेज और लार्ज इमेज, ये दो इमेजेस हैं इसके अंदर। ठीक है जी, और दूसरा अकाउंट लिंकिंग कार्ड है। अकाउंट लिंकिंग कार्ड तो ये होता है कि आप अपने लॉग इन साइन अप का वो बना दें, ये दूसरी चीज है। ठीक है, आस्क फॉर परमिशन कंटेंट कार्ड, ये भी अलग चीज है। तो कार्ड हमारे पास कुल मिला के दो ही है। हमारे पास इस वक्त इमेज नहीं है, इमेज हो सकती है। ठीक है, इमेज हमारे पास हो सकती है तो इमेज वाला ही भेजते हैं, बल्कि इमेज वाला ही भेजते हैं, इमेज उठा लेते हैं कोई गूगल से रैंडम फिक्स। नहीं यार आज कैनवा पे नहीं, आज टाइम नहीं है कैनवा पे, 15 मिनट रहेगा क्लास के, बताओ लो। अभी रोना शुरू हो जाएंगे, 2 मिनट है सारे, मैं तो। अच्छा टाइटल में मैं सबसे पहले क्या लगा दूं, उसको थोड़ा जूम इन करने का ऑप्शन है मेरे पास। टाइटल में मुझे देना है एक अदद स्ट्रिंग, मैंने एक स्ट्रिंग लगा दिया। अब क्या इसमें स्ट्रिंग में मुझे लगाना है, बल्कि बैकटिक वाला स्ट्रिंग लगाता हूँ ना, ताकि मैं इसमें वो भी कर सकूं। ठीक है भाई, सिटी का नाम लगा देता हूँ और टेम्परेचर लगा देता हूँ उसमें। सही है ना, दो चीजें लगा देता हूँ, सिटी का नाम लगा दिया मैंने। ठीक है, और ये डिस्क्रिप्शन है ना, और ये टेम्परेचर है मेरा। ठीक है भाई, और इसके आगे वो लगा देता हूँ मैं एक सेंटीग्रेड वाला। ठीक है, सेंटीग्रेड का वो मैं उठा लेता हूँ, जो गोल सा होता है ना छोटा सा चुनना सा, ये यहां से मैं देखो ये करने का तरीका ही है, ऐसे कॉपी कर लो, बजाय उसके कि वो कोई सिंगल कोड लगाओ कोई जुगाड़ मारो, उससे अच्छा है गूगल पे लिखो, कहीं ना कहीं लिखा हुआ आ जाएगा, उसको कॉपी कर दो। ठीक है, ये मैंने कॉपी करके यहाँ पेस्ट कर दिया। तो अब क्या होगा, यहाँ पे टेम्परेचर लिखा हुआ होगा और उसके बाद ऐसे सेंटीग्रेड लिखा हुआ होगा। ठीक है भाई, तो ये टाइटल हो गया मेरा बड़ा सा, इसमें लिखा हुआ है कराची, और उसके आगे मैं एक कॉलन लगा देता हूँ। ठीक है, दो डॉट, उसके बाद टेम्परेचर लिखा हुआ होगा। अच्छा, कार्ड का जो कंटेंट है वो भी स्ट्रिंग है, उसके अंदर मैं क्या लगा देता हूँ, वही सेम बात लगा देता हूँ जो मैंने यहाँ पे वॉइस पे भेजा है। ठीक है जी, लेकिन जाहिर है वॉइस पे जो बोलने का एक अंदाज अलग होता है, लिखे हुए का अंदाज एक अलग होता है। तो पहले मैं उसको एज इट इज कॉपी करके लाता हूँ यहाँ पे, और फिर उसको क्या करता हूँ, थोड़ा सा मॉडिफाई कर लेता हूँ लिखे हुए के अंदाज से। ठीक है, ब्रेक और कहाँ पे हो रहा है, ये स्मॉल इमेज है ना, स्मॉल इमेज पे ब्रेक हो रहा है और लार्ज इमेज पे ब्रेक हो रहा है। ठीक है जी, मैंने कहा कि इन कराची, ब्रेक हट जाएगा यहां से, अब ब्रेक की जरूरत नहीं होगी, ऐसा समझ में आता है क्योंकि ब्रेक तो ठीक है।
बल्कि कराची तो मैंने इतना बड़ा सा लिख दिया, नीचे लिखने की जरूरत नहीं आई। और डिस्क्रिप्शन लगा देते हैं, मिसाल के तौर पर क्लाउड्स विथ और 30 डिग्रीज सेंटीग्रेड और यू कैन एक्सपेक्ट हाई एट इतना डिग्रीज और लो भी होना चाहिए था ना, इसमें लो कहाँ है, ये लो। एंड लो एट इतने डिग्रीज, ये भाई इसका क्या हो गया, कंटेंट हो गया हमारे कार्ड का। सही है, समझ आ रहा है ना ये कैसे हुआ है, विद स्टैंडर्ड कार्ड लगा दिया। स्मॉल इमेज, अब कोई स्ट्रिंग चाहिए इसको, वो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे कोई भी स्ट्रिंग सर्च कर लेता हूँ, सॉरी कोई भी इमेज सर्च कर लेता हूँ, वेदर लिख के मैंने ना, वेदर लिखा और मैं गया, इमेजेस क्यों नहीं आ रहा, वेदर हूँ बल्कि ये जो आ रहा है ना, ये चुनना सा वेदर, इस तरह का लोगो, ओपन वेदर की डॉक्यूमेंटेशन में ना इस तरह की बहुत सारी इमेजेस उसने पहले से दी हुई है जिप में डाल के, तो आप वो भी यहाँ पे रखवा सकते हैं, लेकिन वो जाहिर है आप डायरेक्ट नहीं रखवा सकते, उसको पहले आपको किसी ना किसी स्टोरेज में पुट करना पड़ेगा, ठीक है, गूगल क्या कहते हैं उसका, बल्कि इसको हम कर लेते हैं ना स्टोरेज में पुट कर लेते हैं इसको, क्या ख्याल है, स्टोरेज में पुट कैसे करेंगे इसको, मैंने खींचा यूं करके और इसको खींच के ना यहाँ पे मैंने रख दिया, मेरे डेस्कटॉप पे मैंने लाके इसको छोड़ दिया, ठीक है, ये एक इमेज आ गई मेरे पास। अब ये इमेज मुझे ना वहां लगानी है, तो इसका तरीका क्या है, मैं डायरेक्ट इमेज को पुट नहीं कर सकता वहां, मुझे उसके लिए होस्टेड यूआरएल चाहिए होगा। होस्टेड यूआरएल कैसे मिलेगा, मैं गया भाई गूगल क्रोम पे, कि कोई सा भी पब्लिक स्टोरेज जो होता है, जैसे फायर बेस है, फायर बेस का कोई प्रोजेक्ट मैं ऐसा सेलेक्ट कर लेता हूँ, मिसाल के तौर पे जैसे कोई ये एक्सियोम के नाम से मेरे पास पड़ा हुआ है कोई, बल्कि डिलीट दिस करके कोई होगा ना जो कहीं पे इस्तेमाल ना हो रहा हो, ये रहा डिलीट दिस वाला जो है, ये कहीं इस्तेमाल नहीं हो रहा, ये मैंने वैसे ही बनाया हुआ है। तो इसके स्टोरेज में गया मैं, मैंने कहा गेटिंग स्टार्टेड, ठीक है, कुछ बातें पूछी, इसको बताने की जरूरत नहीं, बस नेक्स्ट नेक्स्ट करने की जरूरत है, ये बस ऐसी एक रैंडम सी चीज है फायरबेस, ये आपको स्टोरेज दे देता है थोड़ी सी, ठीक है, आफ्टर सेट लोकेशन कैन नॉट चेंज लेटर, ठीक है भाई, ओके। ठीक है, स्टोरेज इस पे सिंपल लॉग इन करोगे, ऐप बनाओगे, स्टोरेज के सेक्शन में चले जाना, और स्टोरेज के सेक्शन में जाने के बाद ना ये पूछेगा भाई पब्लिक रखना है, कहना हाँ भाई सब पब्लिक रखना है, और उसके बाद जो है इसमें वो जब जैसी लाके छोड़ोगे ये तुम्हें यूआरएल दे देगा, गूगल ड्राइव की तरह है बस, उसको ऐसे समझो, ठीक है, ये आ गया। अब यहाँ पे लाके मुझे क्या करना है, ये देख लो, अपलोड फाइल, अपलोड फाइल का मैंने बटन दबाया और मैं डेस्कटॉप से जाके ना ये सनी क्लाउडी डॉट पीएनजी यहाँ पे ला दिया, मैंने अपलोड हो गया, यहाँ पे मैंने क्लिक किया, ये छोटा सा बना हुआ है लिंक आउट, इस पे क्लिक मारूंगा ना मैं, ये मुझे इसका देखो यूआरएल मिल गया ऊपर टॉप पे, ये यूआरएल कॉपी कर दिया मैंने, और कॉपी करके अब इसको मैं कहीं पे भी लिखूंगा ना ये इमेज खुल जाएगी, ठीक है, गूगल ड्राइव है बट डेवलपर्स का गूगल ड्राइव है, ऐसे समझो इसको। अच्छा, तो मैं स्मॉल इमेज में ये दे देता हूँ ये वाला यूआरएल, ठीक है जी, स्मॉल इमेज में मैंने क्या किया, ये वाला यूआरएल पास कर दिया, टोटली फ्री है, 15 GB इस तरह कुछ देता है, उसके बाद फिर पैसे मांगता है, ठीक है भाई, ये मैंने लगा दिया। अब लार्ज इमेज मुझे चाहिए, अब लार्ज इमेज भी कोई देखते हैं अच्छी सी, ठीक है भाई, अच्छा लार्ज इमेज में ना इस तरह की कोई चीज मैं डाल सकता हूँ, ठीक है, इस तरह की कोई चीज लार्ज इमेज में मैं लगा सकता हूँ, बट देखते हैं क्या बनाया था, ये लगा देते हैं ना 7 day फॉरकास्ट वाला, ठीक है, इसको मैं क्या कर सकता हूँ, राइट क्लिक किया मैंने, ओपन इन न्यू टैब, तो ये देख रहे हो ये भी मेरे पास यूआरएल आ चुका है, मैं इसको डायरेक्ट भी लगा सकता हूँ, या अगर मेरा दिल करे तो मैं इसको अपने फायरबेस पे रख लूं, क्योंकि इसको डायरेक्ट लगाने का मतलब पता है क्या है, इस वेबसाइट पे जब तक ये रहेगा ना जब तक काम करेगा, जिस दिन उन्होंने रिमूव मार दिया उस दिन आपका भी बंद हो जाएगा, तो बेहतर ये कि अपने फायरबेस पे कर लिया जाए, ठीक है, बट इसको भी डायरेक्ट लगाऊंगा तो ये चलेगा, बट मैं क्या करता हूँ ड्रैग किया इसको, और ड्रैग करके मैंने क्या किया,
मैं अपने डेस्कटॉप पे लाके छोड़ा, ये मेरे पास इमेज डाउनलोड हो गई। अब इसको मैं क्या करूंगा, इसको अपलोड कर देता हूँ अपने इसके ऊपर। अपलोड फाइल किया मैंने और मैं डेस्कटॉप पे गया, ये फाइल मैंने यहाँ पे अपलोड कर दी, ये भी यहाँ पर आ गई, 300 केबी की इमेज है। ठीक है भाई, क्लिक किया इस पे, ये बना हुआ आ गया। इसको मैंने नए टैब में खोला, ये मेरे पास टॉप पे यूआरएल बना हुआ आ गया। इस यूआरएल को मैंने कॉपी कर दिया और इसको अब मैं कहाँ लगा देता हूँ, लार्ज इमेज की जगह पे इसको मैं पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है भाई, ये लार्ज इमेज की जगह पे मैंने इसको पेस्ट कर दिया। अभी एरर किस खुशी में दे रहा है भाई, पार्सिंग अनएक्सपेक्टेड टोकन, कौन सा टोकन दे दिया इसको हमने ऐसे। कॉमा नहीं लगा हुआ लास्ट में, आई थिंक लगा हुआ तो है कॉमा यार। एक मिनट देख लेते ना, ये यहाँ तक है कॉमा है, उसके बाद ये यहाँ से शुरू है, शुरू है। ठीक है, ये रहा, इसमें तो मैंने बैकटिक वाला लगाया ही नहीं है ना। अरे खत्म हो गया, नहीं खत्म नहीं। अरे नहीं ना, ये इस तरह नहीं होगा ना, ये नाम क्यों लिख रहा हूँ, ये तो डॉक्यूमेंट में लिखा हुआ था ना, ये थोड़ी लिखूंगा, ये तो कॉमा कॉमा डाल के देना है इसको, पैरामीटर पास करना है। अब क्या हो गया, अच्छा यार लास्ट में सेमी कॉलन लग गया ना, तो सेमी कॉलन पे डॉट नहीं लगता, तो सेमी कॉलन मुझे हटाना पड़ेगा यहाँ से। ये समझ आया कैसे हो रहा था, मतलब with speak और उसके बाद डॉट करके मैं कुछ भी लिखूंगा ना आगे, तो मैं यहाँ पे सेमी कॉलन नहीं लगा सकता वरना एरर देता है। ठीक है, ये मतलब डॉट 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 का एक चेन बनी हुई है। ठीक है जी, तो कार्ड में मैंने कॉमा कॉमा करके रिस्पॉन्सेज देने, मुझे नाम नहीं लिखना था, वो मैंने जो लिख दिया था ना जेसन की तरह मैंने छोड़ा हुआ था उसको, उसकी वजह से वो एरर आ रहा था। तो मेरा पहला जो आर्ग्यूमेंट है वो ये रहा। ठीक है, इसके बाद मैं थोड़ा जगह बना लूँ ताकि अलग अलग दिखे वो। उसके बाद दूसरा आर्ग्यूमेंट मेरा ये रहा, ये दूसरा आर्ग्यूमेंट है। ठीक है, पूरा स्ट्रिंग में दिया हुआ है, ये तीसरा आर्ग्यूमेंट है, ये चौथा आर्ग्यूमेंट है। चार आर्ग्यूमेंट मुझे देने थे कॉमा स्पेस कॉमा सेपरेटेड, वो मैंने देखे और डिप्लॉय का बटन दबा दिया। अब जब मैं उसको चलाऊंगा ना इस स्किल को अपनी टेस्ट वाले में जाकर, तो अब मुझे कैसे उसको बताना चाहिए, कार्ड के साथ बताना चाहिए। ठीक है, अच्छा भाई, ओपन मलिक वेदर असिस्टेंट, ठीक है भाई, दिस इज मलिक वेदर असिस्टेंट हो गया। मलिक वेदर असिस्टेंट, हाउ मे आई हेल्प यू टुडे, यू कैन आस्क मी अबाउट वेदर। वो मैंने माइक नहीं टच किया, स्पेशली नहीं बोल रहा, गिव मी वेदर ऑफ कराची। ठीक है जी, इन कराची इट्स हेज, ये तो आ गया टेक्स्ट वाला, अब मैं नीचे जाके देखूंगा ना, तो ये मेरे पास कार्ड आया। ठीक है, डिफरेंट डिवाइसेस पे ये कार्ड डिफरेंट तरीके से आएगा। ठीक है, ये हब है, ये सबसे छोटी वाली जो डिवाइस है ना, यार ये कह रहा है रन टाइम पे ऐसा डिवाइस चेंज नहीं कर सकते आप। ठीक है, तो ये प्राइमरी टेक्स्ट है, ये नीचे वाला टेक्स्ट है, ये कह रहा है कि इसको आप चेंज करेंगे ना जब, तो क्या होगा कि वो चेंज हो जाएगा प्रोसीड, वो दोबारा से उसको ये नहीं रन करना पड़ेगा। आस्क मलिक वेदर असिस्टेंट टू गिव मी वेदर ऑफ कराची। ठीक है, अब मैंने ये डायरेक्ट एक ही जुमले में पूरी बात बोल दी इसको। ठीक है, ये मीडियम वाली डिवाइस में इस तरह से शो हो रहा है। अब एक है स्मॉल डिवाइस, ठीक है, ये राउंड शेप में होती है ये वाली डिवाइस। आस्क मलिक वेदर असिस्टेंट टू गिव मी वेदर ऑफ लंदन। ठीक है, ये गोल वाली डिवाइस में कुछ इस तरह से दिखा रहा हूँ। You can expect high at 11.25 degrees. Output में क्या मतलब? Low at 9.83 degrees. नहीं ना, यहाँ पे क्यों आएगा ये? ये देखो, voice वाली जो device है ना, जो voice only है, ठीक है? उसमें तो ये card दिखेगा ही नहीं किसी को। एक-एक करके। Food order पे तो वो तो web application थी ना, उसमें तो ये चीजें थी नहीं उसमें। वो तो मेरा कस्टम बना, वो मैंने वेब एप्लीकेशन खोल के दिखाई।
वो वेब एप्लीकेशन पे जो चैट ऐप बनी हुई थी ना, उस चैट ऐप में वो विजिट्स बनी हुई, वो जब रिस्पॉन्स आता है तो उसके अंदर जेसन मैंने अलग से भेजा है, उस जेसन के बिहाफ पे मैं विजिट्स बना देता हूँ, वो इसका ताल्लुक इससे नहीं है, समझ रहे हो। ये भी विजिट्स है, बट इसमें विजिट्स का क्या सीन है कि आपको फिक्स विजिट्स मिली हुई है इसमें, ये स्क्रॉलेबल है ना, ये जो गोल वाली स्क्रीन है ये स्क्रॉलेबल, स्क्रॉल कर सकते हैं उसमें, टच होता ही, ठीक है। डायलॉग फ्लो नहीं आएगा, देखो कार्ड तुम दो तीन चीजों को मिक्स कर रहे हो, तुम लोग दो तीन चीजों को मिक्स कर रहे हो, इनका सवाल समझ पा रहे हैं सब लोग? अबे भाई आपस में बातें नहीं करो, यहाँ तवज्जो दे दो, इम्पोर्टेंट बात कर रहा है बंदा, तुम भी सीख जाओगे इसी बहाने। देखो तुम ना दो तीन चीज को मिक्स कर रहे हो, पहले एक तो है वॉइस ऑनली डिवाइस, उसको तो कर दो साइड में बिल्कुल, ठीक है, उसमें सिर्फ आएगी आवाज, कार्ड में उसको पता भी नहीं चलेगा कार्ड आ रहा है क्या आ रहा है। अच्छा, दूसरा आ गया मोबाइल फोन, आपके पास मोबाइल फोन पे आप वॉइस रिस्पॉन्स के साथ साथ कुछ रिच रिस्पॉन्सेस दिखा सकते हैं। वो रिच रिस्पॉन्सेस कौन से होंगे जो अलेक्सा ने अलाउ किए हुए पहले से, ठीक है, अपनी मर्जी का आप रैंडम कोई कार्ड नहीं दिखा सकते, ठीक है, उनकी मतलब उन्होंने डिजाइन किया किसी हिसाब से, ऐसे हिसाब से किया है कि सब लोग उस पर कंफर्टेबल हो, तो वही रिस्पॉन्सेज आप दिखा सकते हैं जो उन्होंने पहले से अलाउ किया हुआ है। अब पहले से जो अलाउ किया हुआ है ना, वो अभी हम पहला हमने देखा है कार्ड, स्पीच पहले देख चुके थे, रीप्रॉम्प्ट देख चुके थे, कार्ड देखा है अभी हमने, अभी अभी आस्ता आस्ता पूरा बता रहा हूँ। देखो अब वही रिच रिस्पॉन्सेज यहाँ लगा सकते हो जो इन्होंने पहले से बना के रखा हुआ है। अब अगर तुम चाहोगे कि मेरा कस्टम कोई ऐसी चीज दिख जाए तो वो उस तरह से नहीं हो पाएगा इसके अंदर, ठीक है। अच्छा, उसको दिखाने के जुगाड़ है, उसको दिखाने के जुगाड़ क्या है कि भाई जो इमेज मैंने भेजी है ना, वो समटाइम लोग क्या करते हैं, उसको रन टाइम पे इमेज बिल्ड कर लेते हैं, ठीक है, रन टाइम पे क्या कर लेते हैं, इमेज बिल्ड कर लेते हैं। मिसाल के तौर पर मैंने एक ऐप ऐसी बनाई थी, वो क्या करता था, स्टॉक का ना वो बताता यार स्टॉक बताओ मुझे, तो स्टॉक की मार्केट के चीज के लिए इमेज रिस्पॉन्स इसके अंदर एक है, इमेज रिस्पॉन्स भेजता था मैं, और उसमें स्टॉक का मुझे पूरा ग्राफ दिखाना होता, ठीक है, बट वो ग्राफ आए कहाँ से, ये जेपीजी और पीएनजी के अलावा सपोर्ट नहीं करता कोई, अब वो ग्राफ मैं कैसे दिखाऊं। तो मैंने फिर ये किया था कि जैसे ही मेरे पर रिक्वेस्ट आती थी तो मैं क्या करता था, डेटा बेस से डेटा उठाता था और उससे रन टाइम पे एक लाइब्रेरी होती है इमेज बिल्ड करने की, वो हम इस कोर्स में कवर नहीं कर रहे, एक लाइब्रेरी होती है उससे इमेज बिल्ड हो जाती है, ठीक है, तो रन टाइम पे मैंने पीएनजी इमेज बिल्ड करके कैनवस के थ्रू, एचटीएमएल में एक चीज होती है कैनवस, उसके जरिए तो सर्वर से मैं इमेज बिल्ड करके उसको सेव कराया फायरबेस पे, उसका लिंक लिया और वो लिंक भेजता था, तो वो टाइम लेती थी थोड़ा, ठीक है, सर्वर लेकिन उसमें पेड वाले थे, अच्छे वाले सर्वर थे, फिर कोड भी एफिशिएंट होना चाहिए, आपका एफिशिएंट इनफ होना चाहिए कि वो जल्दी से जल्दी काम कर दे। अच्छा, उसके लिए मैंने एक काम और भी किया हुआ था, ठीक है, जो तुमने कहा ना कि टाइम लगेगा, शुरू में उसमें होता यह था कि स्टॉक की एपीआई कॉल करते थे, जैसे वेदर की एपीआई कॉल करते, तो स्टॉक की एपीआई की जगह ना मैं क्या करता था, मैंने एक स्केजुअल मराया हुआ था कि डेली बेसिस पे आज का जो स्टॉक है ना वो उठा के पहले ही रख लेता था, ठीक है, ताकि मुझे डेटाबेस में क्वेरी ना करनी पड़े बार बार, वो मैं पहले ही उठा के रख लेता था, लोकल वेरिएबल्स में मुझे वो मिल रहा होता था, ठीक है, या किसी ऐसी जगह पे उसको मैंने रखा हुआ था। अब वो एक सिचुएशन थी, एक स्पेसिफिक उसमें फाइल बना के मैंने रखी हुई थी, तो काइंड ऑफ समझने के लिए, आसानी के लिए, क्योंकि एक ऐसी जगह पे रखा हुआ था जैसे मुझे क्विकली उसका एक्सेस मिलता था, तो मैं फौरन उसको उठाता था, लोकल लाइब्रेरी थी उसी पे इमेज बिल्ड होती थी, और उस इमेज का जो है ना यूआरएल में पहले निकाल लेता था उसका, इमेज का ना फायरबेस में एक ऑप्शन होता है कि आप यूआरएल उसका पहले निकाल लें, और एक तरफ अपलोड चलाता था, एक तरफ इधर लिंक भेजता था, जितने में यहाँ लिंक पहुंचता था उतने में अपलोड हो चुकी होती थी, यहाँ पे शो हो जाता था, तो इस तरह करके एफिशिएंसी करनी पड़ती है, वरना यूजर को बहुत वेट भी नहीं करवा सकते आप। तो खैर, इस तरह का अगर कोई, देखो दुनिया में लोग बना रहे हैं इसी को इस्तेमाल करते हुए, ठीक है, तो आपसे कोई ये नहीं कहेगा कि यार ऐसा क्यों नहीं हो रहा, तो आप कहें भाई यही अवेलेबल है। अच्छा, तो पहला ही हमने देख लिया, ये वाली बात क्लियर हुई। अब जो मैं दिखा रहा था वो क्या था, वो भी समझो क्या है, वो एक डायलॉग फ्लो का चैट बॉट था, ठीक है, डायलॉग फ्लो का, जैसे इसमें जेसन आ रहा है ना, ये कह रहे हैं कि जेसन भेजते हैं आप, डायलॉग फ्लो में भी इसी तरह जेसन भेजते हैं, तो उस जेसन में मैं अपना भी कुछ डेटा लगा के भेज रहा हूँ सर्वर से, ठीक है, ये बाकी लोग नहीं, इनका स्पेसिफिक सवाल था, ये सिर्फ इनको मैं जवाब दे रहा हूँ, मैं एक जेसन अलग से भी भेजता हूँ, वो जेसन जब यहाँ आती है ना मेरे पास चैट एप्लीकेशन में, तो मैं चेक कर लेता हूँ इफ लगा के कि भाई क्या ये जेसन मौजूद है, अगर वो होती है तो मैं एचटीएमएल के जरिए वो कार्ड बना दे रहा हूँ,
ठीक है, उसमें एक लिंक भी है इमेज का, वो डिस्प्ले करा दे रहा हूं इमेज का, तो वो, लेकिन आप वैसा काम ना गूगल असिस्टेंट में नहीं कर सकते जैसा मैंने वो वेब एप्लीकेशन में किया हुआ था। गूगल असिस्टेंट के अपने हैं, उसमें इसी तरह के कार्ड्स हैं, उन्होंने रखा हुआ है उसका कैरोसेल कार्ड नाम रखा हुआ है, ठीक है, एक कैरोसेल ब्राउज कार्ड है, ठीक है, एक उसमें सिंपल कार्ड है, उसमें तीन चार तरह के कार्ड उसमें भी हैं, और वो इसी तरह बीच में, लेकिन जाहिर है वो उसका पूरा एक डिजाइन पैराडाइम अलग है, उसकी पूरी डिजाइन लैंग्वेज अलग है जो गूगल असिस्टेंट की है, इसकी डिजाइन लैंग्वेज अलग है। अच्छा, तो ये चीज हम जल्दी से क्या करते हैं, पहले मोबाइल ऐप में देखते हैं कि मोबाइल ऐप में अब ये चीज किस तरह से दिख रही है, फिर हम क्या करेंगे, कोई दूसरा एक रिच रिस्पॉन्स देखेंगे, हमारे पास अभी टाइम तो खत्म ही हो चुका है वैसे, लेकिन खैर अलेक्सा को मैंने ओपन किया यहाँ पर अपने पास, यार मेरे पास वाईफाई क्यों नहीं कनेक्ट हुआ बाहर, अलेक्सा अलेक्सा, अरे भाई ये लोग ठंडा ही हो गया यार, कभी कभी ना इसकी ऐप सही चलती नहीं है, पता नहीं क्या वजह, लोड हो जाती है लेकिन प्रॉपर चल नहीं रही होती। अलेक्सा Ask Malik weather assistant to give me weather of Karachi. I'm having trouble connecting to the network. अच्छा ये इसको इंटरनेट नहीं मिल रहा, अच्छा 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 ये यार इंटरनेट अभी चलना शुरू हुआ है तुम लोगों के पास या नहीं, ये कह रही है इंटरनेट नहीं मिल रहा मुझे। अलेक्सा Ask Malik weather assistant to give me weather of Karachi. I'm having trouble connecting to the network. मैं वाईफाई जरा बंद करता हूँ ताकि ये मोबाइल डेटा भी आए कुछ करे। अच्छा मोबाइल डेटा पे भी 3G हुआ, पता नहीं क्या वजह, शायद लोग ज्यादा हैं यहाँ पे तो कोई। Ask Malik weather assistant to give me weather of Karachi. Internet connection here is too weak for me to respond right now. नहीं हो पा रहा है, मेरे पास मोबाइल डेटा पे भी ना 4G नहीं आ रहा, 3G लिखा हुआ है और वो चलने से उन्होंने साफ इनकार कर दिया, कह रही है इंटरनेट कनेक्शन हियर इज टू वीक फॉर मी टू रिस्पॉन्ड राइट नाउ। इसको भी सिखाया हुआ है पूरा किसी ने ना, मतलब अरे 4G आ गया। मैं सोच रहा हूँ आज की डेट में ये चल जाए तो मैं तुम लोगों को एक दिखा दूँ। Ask Malik weather assistant to give me weather of Karachi. In Karachi, it's haze with 18.9 degrees centigrade. You could expect high at 18.9 degrees. ठीक है भाई, यार इन्होंने कोई पता नहीं एल्गोरिथम लगाया हुआ, मोबाइल ऐप मोबाइल की स्क्रीन की ना ये कुछ नहीं दिखा रहा होगा। खैर यहाँ पे इसके इमेज बना दी है इसने, और जो टेक्स्ट है ना वो थोड़ा सा आगे पीछे आ रहा है क्योंकि वो मैंने एंटर जो मारा है ना उसको स्पेस काउंट कर लिया इसमें, तो टेक्स्ट थोड़ा सा आगे पीछे आ रहा है। तो भाई ये इस तरह का रिस्पांस आएगा मोबाइल फोन पे, ठीक है, आप खुद भी करके देखेंगे उसको ऑफ कोर्स। और हाँ आवाज तो मैथ्यू की आवाज है ना, मैथ्यू की आवाज लगाई हुई ना हमने, थे ना उस क्लास में तो। अच्छा भाई एक हम कोई रिच रिस्पॉन्स और चेक करके देख लें, क्या ख्याल है, हैं? नो सर, अभी कौन कह रहा था कि 10 बजे तक कर लें क्लास, था कोई एक यहाँ पे बंदा
अच्छा भाई, स्पीक देख चुके हैं, रीप्रॉम देख चुके हैं हम, सिंपल कार्ड देख चुके हैं। स्टैंडर्ड कार्ड और सिंपल कार्ड में फर्क जैसे है कि एक में इमेज है, दूसरे में इमेज नहीं है। तो हमने इमेज वाला कर लिया, तो बाकी भी खुद ही कवर हो गया। ठीक है भाई, अब एक हम कर लेते हैं विद कैन फुलफिलमेंट। नहीं, ऑडियो वाला एक कर लेते हैं, क्या ख्याल है? बस इसके बाद डायलॉग फ्लो, ये थोड़ी चीजें रह गई है इसके बाद। अभी इसके लिए पहले लैम्डा फंक्शन हटा के अपना कस्टम लगा के देखेंगे एक दफा। सी एक्स यार अभी नहीं, सी एक्स में मैंने करके देख लिया सब, सी एक्स में बड़े मसले हैं। डेटाबेस कनेक्ट करेंगे, अपना एक्सप्रेस पे लगा कर देखेंगे, ये दो तीन काम कर लें। यही सारे काम हमें उस पर भी करने पाई थे डायलॉग फ्लो। तो यहाँ पे मैं चाह रहा हूँ सीख लें ताकि वहां पे हमें इतना मेहनत ना करनी पड़े। इमेज एंड टेक्स्ट हेल्पर, इमेज भी हम सिंपल, अगर सिर्फ इमेज भेजनी हो तो उसके लिए क्या करना पड़ता है हमें? एड इमेज इंस्टेंस, बस सिंपल। अभी तो मैंने कार्ड भेजा था ना, अगर आपको पूरा कार्ड नहीं भेजना हो, सिर्फ फोटो दिखानी हो, मिसाल के तौर पे अगर आप दिखाना चाह रहे हैं कि भाई एप्पल कैसा होता है, ठीक है, या मैंगो कैसा होता है, आप बच्चों के लिए कोई स्किल बना रहे हैं, बच्चा कहे कि यार शो मी एप्पल या शो मी मैंगो, तो आप मैंगो बोल के बताएं कि भाई दिस इज अ येलो मैंगो, या दिस इज कोई मैंगो का आप नाम बता दें कि फला फला मैंगो है, और उसकी फोटो आप दिखाना चाह रहे हैं, तो इमेज आपको इस तरह भेजना पड़ेगा। ये इमेज चला के देखने की क्या इसको जरूरत है? इमेज हम फायरबेस स्टोरेज पे, अच्छा स्टोरेज फायरबेस के अलावा भी बहुत सारे, राइट? गूगल ड्राइव भी ना आपको लिंक दे देता है, गूगल ड्राइव भी आपको लिंक देता है, अगर सिंपल सिर्फ इमेज हो उसका लिंक का, हाँ, लेकिन वो जुगाड़ से आपको निकालना पड़ता है। फायरबेस में वो बना ही इसी काम के लिए। फायरबेस के अलावा AWS S3 करके जो है ना एक बकेट मौजूद है, मगर वो क्रेडिट कार्ड मांगता है, तो फायरबेस सबसे सही है, ठीक है। उसके अलावा क्लाउडनरी करके एक है, क्लाउडनरी करके एक इमेज की सर्विस है, उस पर भी आप इमेज अपलोड करते हैं ना, वो आपको लिंक दे देता है, वो भी 5GB फ्री देता है गालबन, ठीक है। तो 5GB फ्री इमेज वहां पे भी आप स्टार्ट कर सकते हैं। तो आप सिंपल क्या करेंगे, कोई भी इमेज आपको अगर दिखानी है, वो पहले से आप फायरबेस पे अपलोड कर दें, उसका URL वहां से निकाल लें, और ऐसे करके एड इमेज इंस्टेंस करें, और वो URL यहां रख के भेजें, आपका चल जाएगा, ठीक है जी। रिच टेक्स्ट, अच्छा इसमें ना जो अलेक्सा का ना अपना भी एक टेक्स्ट है, प्राइमरी टेक्स्ट, सेकेंडरी टेक्स्ट, टर्नरी टेक्स्ट। जो प्राइमरी है वो थोड़ा बड़ा आता है, फिर सेकेंडरी छोटा है, फिर उससे छोटा है, ठीक है। तो कार्ड वगैरह के साथ जो टेक्स्ट लिखा हुआ आ रहा है, उसके अलावा वैसे चूंकि यार थोड़ा सा सीरियस हो जाओ, काम की बात बताने लगा हूँ, मतलब ऐसे बातों में लगे हो यार या अगर थक गए हो तो अगली क्लास में हम करते हैं, मसला नहीं है, थक गए हो ना, चलो सही है, फिर अगली क्लास में करते हैं। हाँ नहीं, मतलब मेरे समझ में नहीं आ रहा कि मतलब कोई अगर ऐसी चीज है क्लास में, कोई मतलब बोर ज्यादा हो रहे हो, कोई मसला हो रहा है, तो मुझे बताओ तो सही कि सर ये मसला हो रहा है, पैसे कमाने के पीछे पागल हो मेरा तो ये ख्याल है कि भाई क्लास काफी इंटरेस्टिंग चल रही है, तो मतलब इतना ऐसा होना नहीं चाहिए कि बिल्कुल बैठे हो यार अब खत्म हुआ भागो, फिर भी पता नहीं। चलो खैर अगली क्लास में हम करते हैं बाकी। हाँ मुझे पूछो, सवाल पूछना तो मसला नहीं है, मैं हूँ बैठा हुआ। हाँ एक चीज दिखानी चाह रहे हो वहां पर, तुम क्या बोल रहे हो? सर ये मसला दे रहा है इसमें ना, अभी देगी सर ये, अभी दोबारा वो करेगी तो अब आया सर्टिफिकेशन फीडबैक आ रहा है ना लिखा बस। हाँ डियर सैयद, थैंक यू फॉर रीसेंट सबमिशन, योर स्किल अब्दुल्ला वेदर असिस्टेंट, योर स्किल फेल टू फॉलोइंग इनिशियल फेज ऑफ सर्टिफिकेशन, ठीक है, इशू विद योर US इंग्लिश, ठीक है। अच्छा US इंग्लिश का मतलब है कि एक ही लैंग्वेज में बनाया ना तुमने, उसकी बात नहीं। The skill first example phase contains the wake word and invocation name.
इन्वोकेशन नेम सही है. द फर्स्ट एग्जाम्पल फेज प्रोवाइड फॉर दिस स्किल डज नॉट फॉलो द गाइडलाइन. प्लीज मेक श्योर बोथ रिक्वायरमेंट्स आर मेट फॉर दिस एग्जाम्पल. कह रहे भाई जो तुमने लिखा है ना फ्रेज, उसमें तुमने उसका इन्वोकेशन नेम भी लिख दिया. वो पता है क्या कहना चाह रहा है? तुम जाओ सर्च करो कोई भी स्किल, बीबीसी की स्किल सर्च करो, उसमें देखो लिखा हुआ कैसे आता है. वो आस्क अलेक्सा में पहले लिखा हुआ है. सही है, जो तुम सिर्फ वो फेज लगाओ जो उसके आगे बोलने की बात है, वो इसलिए तुम एरर दे रहा. खोलो ना, मैं तुम बीबीसी की स्किल खोलो, ऐसे समझ में नहीं आएगा. कोई सी भी स्किल सर्च करो जो एग्जिस्टिंग है मार्केट में बनी है, उसको सर्च करो. अलेक्सा बीबीसी स्किल, हाँ